अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक स्कूल से तो नहीं है, हायर एजुकेशन से है, कॉलेजेस से, लेकिन मैं इस दिन की मुनासबत से आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि हम सब एक ही सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करना हमारा काम है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों। हमारे पास जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं या कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटीज़ से। हमने इनके लिए, इनकी प्रमोशन के लिए काम करना है, इनको एक बेहतर सिटीज़न बनाना है। कॉलेजेस का ताल्लुक स्कूल से इसलिए क्लोज़ है कि बच्चे जब मैट्रिक करने के बाद आते हैं तो वो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। अगर उनका बेस मज़बूत होगा, अगर उनकी बेसिक तालीम बहुत अच्छी होगी, तो वो एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर कॉलेजेस में परफॉर्म कर सकेंगे और अपनी एजुकेशन को मज़ीद बढ़ा सकेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपनी किसी एक फील्ड में जाना होता है। FSC करने के बाद या तो वो डॉक्टर्स बनने की कोशिश करते हैं, या किसी भी फील्ड में IT एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, या किसी भी और फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो जब तक उनकी बेस मज़बूत नहीं होगी, वो एक अच्छे सिटीज़न नहीं बन सकते, एक अच्छे तालीम याफ्ता के तौर पर अपने सोसाइटी को वो चीज़ नहीं दे सकते जो कि उनकी क्वालिफ़िकेशन, अच्छी क्वालिफ़िकेशन के बाद मिलनी चाहिए। तो मैं स्कूल्स को इसलिए इम्पोर्टेंस देती हूँ कि हमारे स्कूल्स में वो तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो एक बच्चे की नीड हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हम दूसरे ममालिक से जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये रीज़न होता है कि जी वहाँ के बच्चे वेल मैनर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बेसिक उनको हर नीड उनके स्कूल्स में मौजूद है, तो ये हर फैसिलिटी उनको मिली हुई होती है, तो क्यों हम वो सब कुछ क्यों नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो हमारे बजट, हमारा जो सालाना बजट हमें मिलता है, तो सबसे ज़्यादा बजट हमें एजुकेशन के लिए मिलता है, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट इन अ प्रॉपर वे। हमारी ये कमज़ोरी है, दिस इज़ आवर वीकनेस, कि हम क्यों उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम वो फैसिलिटीज़ बच्चों को क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते कि एक अगर सर्द इलाके में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हीटर्स का बंदोबस्त करना, उनके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाना और उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो एक स्कूल की नीड होती हैं, वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। मेरा ताल्लुक एजुकेशन फाउंडेशन से भी है, पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये काम सिर्फ कॉलेजेस के लिए नहीं करती, स्कूल्स के लिए भी करती है। हम हर साल 6 स्कूल्स को का इंतखाब करते हैं, गरीब बच्चों का, जिनको बुक्स नहीं मिलती या जिनको यूनिफॉर्म्स नहीं मिलती, उन 6 स्कूल्स में 3 स्कूल गर्ल्स के होते हैं और 3 बॉयज़ के होते हैं। उन बच्चों को हम उनके प्रिंसिपल से हम उनकी लिस्टें ले लेते हैं कि आप ख़ुद हमें ये बताएं कि कौन से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको यूनिफॉर्म वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम उनको वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हर स्कूल से पहले हम 20 बच्चों को की सिलेक्शन करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो 30-40 तक पहुंच गए हैं। तो ये हमारा काम है, हम जहाँ तक भी फैसिलिटेट कर सकते हैं बच्चों को फैसिलिटेट करें। कई बच्चे स्कूल क्यों ड्रॉप आउट होते हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, हम नहीं जा सकते, हमें टीचर मारेगा।
तो इन चीज़ों से बच्चे ड्रॉप आउट, ये भी एक रीज़न है। फिर दूसरी बात ये कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, यानी अपनी क्लास में उन्होंने टॉप किया होता है, फर्स्ट पोजीशन ली होती है, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको एनकरेज करती है। इसी तरह से हम 3 स्कूल बॉयज़, 3 स्कूल गर्ल्स के ले लेते हैं और उनके वो बच्चे 6th, 7th, 8th में जो पोजीशन होल्डर होता है वो 7th में जाता है, तो उसको 7th की एक किट हम देते हैं जिसमें उसका बैग, उसकी तमाम कॉपीज़, उसके तमाम जो और नेसेसिटीज़ होती हैं उस बैग की, वो तमाम उसको हम देते हैं ताकि उसकी एनकरेजमेंट हो। अगर उसने इस साल अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो नेक्स्ट ईयर भी वो कोशिश करेगा और वो अपनी क्लास में टॉप करेगा, या उसको देखकर और तमाम बच्चों के सामने हम उनकी क्लास में जाकर उनको ये बैग्स देते हैं ताकि वो एनकरेज हों, दूसरे बच्चे भी एनकरेज हों कि हम भी इसी तरह से टॉप करेंगे। इसी तरह 7th से 8th वाले बच्चे, 8th से 9th वाले बच्चे, क्योंकि 10th में उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और वो स्कूल से आउट हो जाते हैं। तो इन 3 क्लासेस को हम सेलेक्ट करते हैं और इन 3 क्लासेस में हम जाकर टॉपर्स को हम ये गिफ्ट देते हैं। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर देम। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं बच्चों को एनकरेज करती हैं। इन चीज़ों में अगर हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें और हम और एक्सटेंड करें इन चीज़ों को, गवर्नमेंट लेवल पर भी इसको एक्सटेंड होना चाहिए, टीचर्स के लिए भी अवार्ड्स होने चाहिए कि जो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं टीचर्स, उनको भी अवार्ड्स दिए जाएं ताकि वो इससे भी ज़्यादा अच्छी कोशिश करें। और उनकी जो ट्रेनिंग्स उनको दी जाती हैं साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, उन ट्रेनिंग्स में भी जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, जिसकी बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है, उनको भी हम एनकरेज करें और उनको भी कोई अवार्ड मिलना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों से हम एजुकेशन को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है एजुकेशन की तरफ, बच्चे इंटरेस्टेड हो सकते हैं अपनी क्लासेस में। हम बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल। हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उनको स्कूलों की तरफ लेकर आएं, हम उनको एजुकेट करें, उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो उनका हक है। मैं इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर इस तरह के प्रोग्राम, मतलब मेरी तरफ से या हम सब लोगों की तरफ से, हर मंथ्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अगर ये हों, तो यकीनन मेरे ख्याल में कि हम एजुकेशन के सेक्टर में या एजुकेशन में जब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जब चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, तो यकीनन उनमें बेहतरी आएगी। यहाँ बहुत सारी तमाम एरियाज़ पर बहुत बातें भी है, एक्सपर्ट्स भी आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बातें की है। जो मैंने जो महसूस किया, जो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि हम वो गए गुज़रे कौम नहीं हैं, या हम वो गए गुज़रे इंसान नहीं हैं, या हम पाकिस्तानी वो गए गुज़रे बंदे नहीं हैं जो कि एजुकेशन के मैदान में या अभी किसी फील्ड के मैदान में हम डेवलप कंट्री से पीछे हैं। कहीं ऐसा नहीं है। हमें अगर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिविटी हमें चाहिए कि जो चीज़ में, जो एक टीचर का काम है पढ़ाना, वो अगर सिंसियर हो के जाके क्लास में पढ़ाए, तो यकीनन बच्चा जो होता है उसको फीडबैक देगा और बच्चा उस स्कूल में भी आएगा और बच्चा वो एक अच्छा तालीम याफ्ता हो जाएगा। प्राइमरी तक जो बैरियर्स हैं, मतलब द मेन बैरियर्स विच आर अटेनिंग इन प्राइमरी लेवल, आई थिंक द फर्स्ट वन इज़ पावर्टी, सेकेंड इज़ इग्नोरेंसी एंड रिलीजियस फैक्टर्स एंड ट्राइबलिज्म्स। ये हैं, इनसे इनकार नहीं किया जाता।
सबसे पहले हम बहुत आगे गए हैं, एडवांस दौर तक हम गए हैं, लेकिन अब तक हम अगर दो काम करें हम बहुत आगे जाएंगे और हमें हम रिज़ल्ट भी अचीव करेंगे। नंबर वन, सबसे पहले स्कूल मौजूद हो और वहाँ उस स्कूल में अगर स्टूडेंट्स हों और वहाँ अगर हॉनरेबल टीचर हो तो वहीं से तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि वहीं क्राइज होगा। जब हॉनरेबल टीचर होगा, जब स्टूडेंट होगा, तो यकीनन हॉनरेबल टीचर्स अपने जो टीचिंग है, जो स्किल्स हैं उसके पास नहीं है, जो ट्रेनिंग नहीं है, उसके लिए किराई करेगी या करेगा, अपने लिए फर्नीचर का किराई करेगा और इसी तरह स्टूडेंट्स ये। लेकिन सारी टू से हम बहुत आगे गए हैं, हमने बहुत काम भी किया, दुनिया में बहुत काम किया, बहुत नाम भी कमाया। अभी यहाँ मेरी अब्दुल्ला साहब ने यही कहा था कि जी हम मायूस ना हो जाएं, और रजाक साहब ने कहा भी हम मायूस ना हो जाएं। उस मायूसी के बारे में एक दो बात करता हूँ, फिर देता हूँ। एक दिन मैं खालिक साहब से हम कहीं जा रहे थे, हमने बात की, मैंने कहा दुनिया में हमने बहुत नाम कमाया लेकिन इक्का दुक्का पता नहीं वो कैसे निकल जाते हैं। अब नासा में जो है हमारे पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, और वो भी बलूचिस्तान से भी है, और वो भी डेरे बुकटी से है, बेकवर्ड एरिया से है। एंड द सेम वन जो आइंस्टाइन की जो फार्मूले उस पर काम हो रहा है उसमें भी पाकिस्तान की एक साइंसदान कंट्रीब्यूशन है, आगे है, वो भी इस बलूचिस्तान से है, वो भी पश्तून है, वो भी क्वेटा का रहने वाला है। और द सेम वन अगर दुनिया के लेवल में हम देखें कि एक एक बंदा जब निकल जाता है, अब यारजान बलोच जो है वो बुलेदे का एक टाट का पढ़ा हुआ स्कूल से, अभी भी वो प्राइमरी है स्कूल, लेकिन वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टॉप पर है और उसने ज़ीरो ग्रेविटी में तहलका मचा दिया है। मतलब इफ़ वहाँ के बंदे, इफ़ दे हैव टू आईज आल्सो वी हैव टू आईज, इफ़ दे हैव वन ब्रेन आल्सो वी हैव वन ब्रेन। अब खराबी कहाँ है? खराबी हम में है, हमारी ज़ात में है। हम सिंसियर नहीं है, वी आर नॉट सिंसियर विद आवर नेशन, विद आवर जॉब। हम मुखलिस नहीं हैं, हम झूठे हैं, हम झूठ बहुत बोलते हैं, हम प्रेप बहुत करते हैं। हमारे पास अगर दुनिया जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन अगर आ जाते हैं, हम उन चीज़ों को रफ इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है, उनके साथ हम चलते हैं, उनसे हम फ़ायदा नहीं लेते हैं, हम अचीवमेंट नहीं ले लेते हैं। हमें पता नहीं कि हम एक कौम हैं, हमें पता नहीं कि हम अपने एक नस्ल को हम तबाह कर रहे हैं। जिस दिन हमें ये एहसास हो कि सरकार की हर एक चीज़ को हम ऑन करें कि वो चीज़ हमारी है और वो हमें फ़ायदा देगा और हम एक नस्ल को डेवलप कर रहे हैं, उस दिन इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में हमें एक तब्दीली आ जाएगी। अब थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं, किसी ज़माने में स्कूलों में ये तमाम चीज़ें नहीं थी, वाइट बोर्ड नहीं था, ये नहीं थे, बहुत चीज़ें नहीं थे। एक स्कूल था, अगर स्कूल में जगह नहीं थी वो साया था, एक ब्लैक बोर्ड था, ठीक है ना, उसको एक इधर से उठा के उधर ले जाते थे, लेकिन उस वक्त पढ़ाई थी, पढ़ाई के सिस्टम थे। आजकल तो नए टेक्नोलॉजी है, नए तरीके हैं। उस वक्त मुझे याद है जब हमें डिक्टेशन किया जाता था या हमला लिखाया जाता था, उसके पीछे भी एक राज था कि जो चीज़ हमने पढ़ी थी, वो भी जो हम कहते हैं ना फोर स्किल्स हैं, ठीक है ना, जो चीज़ हमने पढ़ी उसको फिर हॉनरेबल टीचर ने हमको डिक्टेट किया, हमने सुना और उसको फिर हम वहाँ क्या कर रहे थे, राइट कर रहे थे। तो इस तरीके से ये स्किल डेवलप हुए थे। खालिक साहब यू आर राइट, मैं आपके साथ बिल्कुल, अगर हम अपनी खराबियों पर बात ना करें तो फिर हम अच्छाइयाँ नहीं ले आते हैं। हमारे बिल्कुल मैं आपके साथ ये इतफाक़ करता हूँ कि हमारे बहुत सारे चारों क्लास तक, आप चारों क्लास की छोड़ें, हम कहीं कहीं विजिट में जाते हैं, एक अजीब सी वो हो जाती है कि नाइन टेंथ के बच्चे वो भी रीडिंग नहीं कर सकते हैं उस पर। लेकिन कहीं कहीं अभी मैं हाल ही में जब मैं लसबेला में गया, लसबेला में पता नहीं क्या एक अजीब सी चीज़ है, वहाँ 98% जो हैं बच्चे और बच्चियाँ वो अल्फाजों को रिकगनाइज कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं,
मैं जब भी किसी भी जगह में जाकर विजिट करता हूँ, अगर मेरे साथ आप हो जाएं या अगर आप लोग देख लें, आप मुझे वो करें, तो मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि जी ये क्या है क्या नहीं। मैं एक चीज़ पे ज़्यादा वो करता हूँ, जब वो पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े, तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा ये क्या है, वो अल्फाज पर मैंने अंगुली रखा तो वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इस तरीके से रिकनाइज करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सारे इलाकों में एरियाज में ये चीज़ें हो रही है। मैं फिर यहाँ कहता हूँ कि अगर हमने एजुकेशन में अगर हमने क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और वहाँ काम करना है, तो हम कुछ एरियाज पर ज़रूर काम करें। पहला, हम जो करिकुला है हर 5 साल उसको हम रिवीजन करें, वक्त के साथ साथ उसमें जो चेंजेस हैं तो वो एक ज़रूरी है। नंबर दो, वो जो हॉनरेबल टीचर्स हैं, फरजाना ने यहाँ बात की, हमारे डीओ फीमेल साहिबा ने, अब वो हॉनरेबल टीचर के जो आज मतलब एक बहुत पुराना है, आज साइंस लेटेस्ट है, किसी ज़माने में हम पढ़ते थे तो हम कहते हैं कि देर इज़ टू पार्ट ऑफ बायोलॉजी, जोलॉजी एंड बॉटनी। आजकल हम जाते हैं तो बच्चे कहते हैं जी माइक्रो पता नहीं क्या, वो तीसरी भी है, वो मुझे भी नहीं आ रही है। तो सिमरत, ये ज़रूरी है कि हम उस हॉनरेबल टीचर के लिए हम वहाँ ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें ताकि वो स्किल्स गेन करें, न्यू टेक्नोलॉजी गेन करें। और इसी तरह हम जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हम कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करें कि उसके करिकुला को चेंज करें और किताबें वक्त पर हो जाएँ, और जब उनको हम टीचर दे देते हैं तो साथ साथ कम से कम उसका स्कूल भी हो, वो शटरलेस ना हो और वहाँ फैसिलिटीज़ हो। ये 4 एरियाज़ को अगर हम कंट्रोल करें, मेरे ख्याल में हम क्वालिटी ले आते हैं, हम इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, सेक्टर प्लान पे भी काम हो रहा है, बहुत अच्छे वहाँ आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम जो सर्विस स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, इस दफ़ा हम हॉनरेबल टीचर को पहले जो नए ग्रेड में थे हम उनको 14 ग्रेड में ले जा रहे हैं JVT को। तो इससे क्या होता है कि एक जो होता है उनका जो ग्रेड जो बढ़ जाता है, उनका जो मोरल है वो ऊपर आ जाता है और उसके स्टैंडर्ड को हम बढ़ा रहे हैं। पहले किसी ज़माने में मैट्रिक हम JV लेते थे, अभी हम FA ले जा मतलब ले रहे हैं। उसके बाद जब हम इसको 14 ग्रेड में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में BA और BC से हम ले रहे हैं। तो हमने बैठ के काम करना है और इससे हट कर कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, कभी कभार अफसोस भी हो जाता है, चाहे मैं खुद हूँ चाहे कहीं हूँ, हमारे अक्सर बहुत सारी हम क्यों पीछे हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत में से एक वजू ये है कि अक्सर एक दफ़ा फ़ोन आता है, यार वो तुम मेरी बीवी है या वो मेरी बहन है या वो मेरा भाई है या वो मेरा कज़न है, उसके यार 3-4 बच्चे हैं, उसका आपने तनख्वाह बंद किया। तो मैं ये जवाब देता हूँ कि जी उसके तो 3-4 बच्चे हैं, जिस स्कूल में वो पढ़ाती है या जिस स्कूल में वो पढ़ाता है, वो वहाँ अगर नहीं जा रही है, ना ही जा रहा है, उस स्कूल को बंद कर रहा है, तो वहाँ कितने बच्चे हैं? वो तो 3-4 बच्चे एक फैमिली के हैं, वहाँ अगर 4 बच्चे हैं तो डिफरेंट हाउसेस हैं, डिफरेंट घराने से हैं। तो खुदा रहा हम बैठें, कुछ ख़राबियाँ अगर हम में हैं, कुछ हमारे सोसाइटीज़ में हैं, हमारे सिविल सोसाइटीज़ में भी ये चीज़ें हैं, और कुछ ख़राबियाँ हमारे पॉलिटिशियंस में भी हैं, और कुछ पॉलिसियाँ वहाँ जो हमारे लिए पॉलिसी मुरतब करते हैं वहीं भी हैं। हम अगर कंप्रोमाइज़ न करें, चाहे वो कर्नल का बेटा बेटी हो, चाहे वो वाह शाकिर का बेटा बेटी हो, बीवी हो, चाहे वो किसी का हो, सबसे पहले जब वो एजुकेशन में आया तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आपके जो ये 6 घंटे हैं 4 घंटे हैं, यू शुड बी एट द स्कूल्स। वहाँ हम कंप्रोमाइज़ ना करें तो तब हमारा एजुकेशन सही होगा और हम आगे जाएंगे, क्वांटिटी पैदा करेंगे, जब क्वांटिटी हो जाएगा तो उसमें फिर क्वालिटी खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। लेकिन सॉरी टू से, मेरे ख्याल में बहुत काम हम लोगों ने करना होगा, हमने अपने आप को चेंज करना होगा वक्त के साथ साथ। जब हम चेंज नहीं करेंगे, अब सिंध के लोग आकर हमको चेंज नहीं करेंगे। अभी सारे इसी प्यास के बुझाने के लिए कह रहे हैं कि हमें मजीद स्कूल दिए जाएं। चमन के मजापात में अभी जाएं, मैडम ने बात की, सिर्फ हमारे लिए चैलेंजेस है। वो क्या चैलेंजेस है? बच्चों को स्कूल तक लाना। अभी चमन साहब आगे थोड़ा आगे जब मुजाफा में तोबा चिकजई में जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे मकानात हमारे रेस काफ़ी दूर है, आने जाने में कुछ चैलेंजेस है, लेकिन ये भी वक्तन फ़वक्तन हमारे MPS या हमारे स्टेक होल्डर की मदद से जो हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं
जो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, रोज बरोज चेंज आ रही है। फशीन में मैक्सी कॉन्फ्रेंस में गया था, फशीन के मुजफ्फरपुर के प्राइमरी टीचर से मैं मिला, तो उनको हमारे स्टेक होल्डर्स ने जो ट्रेनिंग दी थी पहले की निस्बत, ये SLO की बात कर रहे थे। और मैं खुद गया वहाँ पे स्कूलों का, मैंने मॉनिटर भी किया स्कूलों का, हाउ टू टीच मेथडोलॉजी क्या होती है, मैंने टीचर से पूछा, वो पहले की निस्बत बहुत फर्क आई थी। तो इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को सही तालीम दे सकें, टीचर्स को ट्रेन कर सकें, और हमारा यही अहद पैमान है कि हमने एजुकेशन के हवाले से जो कदम उठाया है, इंशाल्लाह ताला हम इसको साबित कदम करके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह वालदे को भी हम ये इत्मीनान देंगे कि हमारे पास जो रिस्पांसिबिलिटीज़ है, हम अपने हदूद में रहते हुए हम इंशाल्लाह कदम उठाएंगे और रोल अदा करेंगे। मज़ीद हमारे डायरेक्टर साहब बात करेंगे। वसलाम।